नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। बात छत्तीसगढ़ की में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे, और आज का हमारा मुद्दा है जुबानी जंग सियासी जंग। जी हां, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। चुनाव के बीच अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पैसे बांटकर भाजपा चुनाव जीतना चाहती है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। देखिए इसी पर एक रिपोर्ट और आगे इसी पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि स्पेशल प्लेन से सीआरपीएफ की टीम कल आ चुकी है। ईडी के बड़े बड़े अधिकारी छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं, लेकिन सरकारी गाड़ी की चेकिंग नहीं हो रही है। बड़े बड़े बक्से उतरे हैं, साधारण यात्रियों की भी चेकिंग होती है, लेकिन सीआरपीएफ के बड़े बड़े बक्से भर के आए हैं, उसकी चेकिंग नहीं हो रही है। ईडीआई जांच करे, लेकिन निर्वाचन आयोग से कहना चाहूंगा कि उनके वाहनों की भी अनिवार्य रूप से चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी हार मान चुकी है और ये आखिरी दांव है। उन्होंने आगे अंदेशा जताते हुए कहा कि बक्सों में पैसे भर भर के लाए जा रहे हैं और उसको उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। सभी वाहनों की चेकिंग, खासकर ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग होनी चाहिए। साधारण यात्री यदि जाए उसकी चेकिंग होती है, हम लोग हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, उसकी चेकिंग होती है, लेकिन सीआरपीएफ के जो प्लेन में भर के बक्से भर भर के बड़े बड़े बक्से भर के आए हैं उसकी चेकिंग नहीं हो रही है। ईडी आए जांच करे, लेकिन निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहूंगा कि इनके वाहनों के भी चेकिंग होना चाहिए अनिवार्य रूप से। वहीं इधर सीआरपीएफ और ईडी को लेकर सवाल उठाए जाने पर बीजेपी ने कांग्रेस और मुख्यमंत्री पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में लाभ लेने के लिए कितनी गिर सकती है, उसका प्रमाण ये वक्तव्य है। जो सीआरपीएफ विपरीत परिस्थितियों में देश और प्रदेश की रक्षा करती है, ऐसे जवानों पर सवाल खड़ा करके गिरावट का परिचय कांग्रेस की सरकार ने दिया है। आरोप लगाकर कांग्रेस और मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया है कि वो चुनाव हार रहे हैं, और हारने के बाद एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि क्या कहना है। वो कहानी कांग्रेस की सरकार में प्रारंभ हो गई है। तय है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस चुनाव में लाभ लेने के लिए कितनी गिर सकती है, उसका प्रमाण ये वक्तव्य है। जो सीआरपीएफ विपरीत परिस्थितियों में देश और प्रदेश की रक्षा करती है, ऐसे जवानों पर सवाल खड़ा करके जो गिरावट का परिचय प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने दिया है, इससे निश्चित रूप से ऐसे लोगों का मनोबल गिरता है। चुनाव के बीच दोनों मुख्य दलों के बीच में जुबानी जंग जारी है, मगर सीएम द्वारा लगाए आरोप का प्रमाण चुनाव आयोग में कांग्रेस दर्ज कराती है, और उस पर क्या एक्शन लिया जाता है वो देखने वाली बात होगी। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है। सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस प्रवक्ता है, सुनील चौधरी बीजेपी प्रवक्ता है, रामाचार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार है। आप तीनों का चर्चा में बहुत ही स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता सुनील चौधरी जी के पास चलेंगे। सुनील जी, सीएम भूपेश बघेल की ओर से एक बड़ा आरोप लगाया गया है कि सीआरपीएफ का कहा गया है कि पैसे से मतदाताओं को प्रभावित किया जा रहा है, बीजेपी की ओर से बक्सों में पैसे भर भर के लाए जा रहे हैं। जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए, आज उन्होंने जिस प्रकार के आरोप लगाए हैं तो वो संवैधानिक संस्थाओं पर, और विशेष तौर आप देखेंगे सीआरपीएफ ऐसी संस्था जो देश में कहीं पर भी संकट हो तो सीआरपीएफ को याद किया जाता है। वो सेवा के काम भी सीआरपीएफ करती है और युद्ध काल में युद्ध के समय भी वो काम करती है। तो ऐसी संस्थाओं पर ये लगातार शक करते हैं तो ये दुर्भाग्य का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मनोबल गिराता है सुरक्षा कर्मियों का। उनको इस प्रकार का यदि बोलना था तो ये मान करके चलिए कि वो बोलते उस समय जब चुनाव हो रहा था,
जब हम लोगों ने उनके वन विभाग की गाड़ियों को पकड़ा था जिसमें साड़ियां थी, हमने एम्बुलेंस को पकड़ा जिसमें साड़ियां नगर गहने सब थे जब यहाँ छत्तीसगढ़ में उपचुनाव होते थे, तो इनका चरित्र ये है कि इनको ये ऐसे काम करते हैं, पर आज ये आरोप लगाने के लिए खड़े हो गए। मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्री जी आप माफी मांगो संवैधानिक संस्थाओं सुरक्षा एजेंसियों पर, आप तो एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठाने वाली कांग्रेस पार्टी है, लगातार सेना पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पार्टी है, तो ये सेना के शौर्य को साहस को भी ये लोग सबूत मांगने वाले लोग हैं, तो वही ये कर रहे हैं। इससे इस देश के संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर शक उत्पन्न करने का जो षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी करती आई है, इनका जो टूल किट है वो यहाँ पर भी लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ नक्सलवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ रही है, उनके जवान लगातार आप देखेंगे यहाँ मोर्चे पर डटे रहते हैं, वो सेवा के कार्य करते हैं, शिक्षा के कार्य करते हैं, जब वहाँ ग्रामीणों के जीवन को सुधारने के लिए बड़े बड़े काम करते हैं, ऐसे सीआरपीएफ पर यदि ये शक करते हैं तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ऐसा बयान देते हैं। मैं तो कहता हूँ कि उनको माफी मांगनी चाहिए कि आप कम से कम इनके शौर्य को इस प्रकार से जो है वो गलत आरोप लगा करके उसको खराब करने की कोशिश न करें, और सीआरपीएफ के जवान जो है उनका मनोबल यदि आप गिराएंगे। लेकिन सुनील चौधरी जी कि वो जी डटे हुए हैं सुनील चौधरी जी, लेकिन सीएम भूपेश बघेल तो ये भी कह रहे हैं ना कि सीआरपीएफ की बहुत सारी टुकड़ी है तो बाहर से लाने की क्या जरूरत थी? भाई सुरक्षागत मामला है, नक्सलवाद से प्रभावित प्रदेश है तो क्यों नहीं आएगी? यदि कोई घटनाएं घट जाएंगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? भाई सुरक्षा बड़ी बात है कि नहीं है? छत्तीसगढ़ के अंदर में नक्सलवादी घटनाएं होती रही है कि नहीं है? नक्सलवादियों ने चुनाव के विषय में लगातार देखेंगे पर्चे फेंके भी नहीं फेंके, हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई है कि नहीं गोली मार करके मोहला मानपुर के अंदर में? तो आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और सीआरपीएफ उसकी बहुत मजबूत कड़ी है, और आप कह रहे हैं कि बैग भर भर के नोट आ रहे हैं, क्या सबूत है आपके पास? आपने देखे हैं कहीं? आपने आप कौन से सबूत पेश करना चाहते हैं? करिए बताइए कि क्या है? अरे सुरक्षा एजेंसियां भी जाती है तो क्या वो सार्वजनिक करेंगे कि हम क्या लेकर के आ रहे हैं? भूपेश बघेल यही तो कह रहे हैं ना कि चेकिंग होनी चाहिए, चेकिंग होनी चाहिए। भाई आप खुद जान रहे हैं सुरक्षा जो सीआरपीएफ है या सेना है वो देश की सुरक्षा में लगी हुई एजेंसी है, यदि वो कोई उपकरण लेकर के आ रहे हैं कुछ लेकर के आ रहे हैं तो क्या आप उसकी भी जांच करना चाहेंगे? आपको भरोसा नहीं है? यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि इनको सुरक्षा एजेंसियों पर भी भरोसा नहीं है, तो ये कौन से टूल किट इस्तेमाल कर रहे हैं? इनको सेना पर भरोसा नहीं है, सीआरपीएफ पर भरोसा नहीं, क्या खुला बता दें कि हमारे पास बता दें सारे नक्सलाइट को, बता दें आतंकवादियों को, ये चाहते हैं क्या मुख्यमंत्री जी? ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी, एक बहुत बड़ा आरोप है ये सीएम भूपेश बघेल की ओर से। अगर बात करें संजय श्रीवास्तव जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस चुनाव में लाभ लेने के लिए कितना गिर सकती है। कविता जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की छटपटाहट बता रही कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रचे गए षड्यंत्र उनके साजिश पर निशाना सही लगा है। आपको अपडेट करना चाहता हूँ, केवल ये मुख्यमंत्री जी का आरोप नहीं है, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बकायदा निर्वाचन में इन दोनों मामलों में शिकायत की, लिखित शिकायत दर्ज हुई है, ये पावती है, मैं रामतार जी को भी दिखा देना चाहता हूँ ये दो शिकायत जो है। पहली जो सीआरपीएफ की जो पेटियां लाई जा रही है विशेष विमान में, उसमें बड़ी बड़ी पेटियां हैं और वो सुरक्षा के दायरे में बिना किसी चेकिंग के उनको जगह पर पहुंचाया जा रहा है जहां पर पहले चरण में चुनाव है। मूल बात है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जांच पर आपत्ति क्यों? संविधान और कानून से ऊपर है क्या? विश्वसनीयता के लिए कविता जी पहली शर्त है पारदर्शिता, और जिस प्रकार से इनका चरित्र रहा है 3 साल से यहाँ ईडी गली गली में घूम रही है, और आज ही का मामला है राजस्थान में ये भाजपा के एजेंट के तौर पर मोदी के लिए वसूली करते पकड़े गए, 15 लाख रुपया रंगे हाथ पकड़े गए, एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा है। तो छत्तीसगढ़ में तो ये सर्वविदित है कि 3 साल से यहाँ जमे हुए हैं, छापेमारी के लिए आते हैं ना, स्थायी तौर पर यही है, और ये अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे राष्ट्रवाद की, पुलवामा के नाम पर बेशर्मी से वोट मांगे, आज तक पुलवामा के शहीदों को न्याय नहीं मिला, क्या हुआ उस जांच रिपोर्ट का? 600 किलो सुरेंद्र वर्मा जी पठानकोट बांधने की जांच करने के लिए कविता जी, पाकिस्तान की एजेंसी को मोदी सरकार है, माफी कब मांगेंगे देश से? रघुवर दास जी उड़ीसा के राज्यपाल है, भाजपा के नेता है, 2 दिन का कार्यक्रम, हमने इसकी भी लिखित शिकायत की है, रायपुर में कार्यक्रम था और कल भी कार्यक्रम है,
बीजेपी ये कह रही है सीधा सीधा जो है सीआरपीएफ पर शक है, तो जो सीआरपीएफ विपरीत परिस्थितियों में देश और प्रदेश की रक्षा करती है, ऐसे जवानों पर सवाल खड़ा करके गिरावट का जो कांग्रेस को परिचय दे रही है। बिल्कुल नहीं, जांच के दायरे से सीआरपीएफ बाहर नहीं है। हमारी जो एजेंसियां हैं निश्चित तौर पर कांग्रेस के शासनकाल में खड़े हुए हैं, पारदर्शिता उनके लिए भी जरूरी है। और मूल बात, केंद्रीय एजेंसियां जिस प्रकार से कमल छापते स्टार प्रचारक है, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे वो ईडी हो, अब इस प्रकार से सीआरपीएफ का ये दुरुपयोग करेंगे तो ये इनका पहले भी चरित्र रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये मान चुके हैं, इनका सीधे नेतृत्व मान चुका है कि छत्तीसगढ़ में ये चुनावी मुकाबले में कहीं नहीं है, ठीक है, किसी भी हद तक जा सकते हैं। ठीक है, स्पेशल प्लेन आ रहे हैं प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के, सीआरपीएफ के बक्सों में क्या जा रहा है वो दिखाने के लिए, ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, ठीक है, उनके संरक्षण में खड़े हैं। ये भाजपा के षड्यंत्र को प्रमाणित करता है कविता जी, ठीक है, अधिकार नहीं है छत्तीसगढ़ की जनता को जानने का कि उसमें नोट आ रहा है या, ठीक है, राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं जी, तिवारी जी की फसल तिवारी जी, जिस तरह से कांग्रेस जो है वो आरोप लगा रही है केंद्र पर, बीजेपी पर, कि सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, कितना ये आरोप सही है लगाना? देखिए, आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है जी, अब शासन जो है चुनाव आयोग का है जी, चुनाव आयोग को इन तमाम मामलों पर गंभीरता से देखना चाहिए जी। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलेगी, कल ही उनके नेता ने, भाजपा नेता ने यहाँ पे अधिकारियों को भी, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी को चमकाया कि कांग्रेस की कार्यकर्ता ना रहे जी। आज उन्होंने सीआरपीएफ पर लगाए, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और इसमें सही है या गलत है ये इसकी जांच की जरूरत है जी। कि वास्तविक में चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग उनका शासन चल रहा है, अब कोई कांग्रेस या भाजपा का शासन तो है नहीं जी। ऐसे में चुनाव आयोग को तमाम जो जिस प्रकार की शिकायत जिनको मिल रही है जी, उस पर जांच निष्पक्ष तरीके से करनी चाहिए। दूसरी बात यह है जी, कि चुनाव में प्रबंधन के लिए पैसे का उपयोग जो है वो हो रहा है, होता है, कहीं कभी चुनाव है होता है जी। उसमें जैसा हमने पिछले चुनाव में देखा था, इसके तहत के एम्बुलेंस की गाड़ियों में पैसे चले गए थे कुछ जगहों में जी। तो ऐसे राजनीतिक अपने फायदे के लिए उपयोग कर लेते हैं, राज्य सरकार में होते हमने देखा है जी। केंद्र सरकार का मामला है, केंद्र सरकार में भी ऐसे एजेंसियां हैं, एक निष्ठावान एजेंसियां हैं और सक्रिय एजेंसियां हैं, तो क्या एक सिरे से खारिज तो नहीं किया जा सकता, परंतु इस पे जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच में निष्पक्षता आनी चाहिए जी, और सभी का चेक होना चाहिए जी, बिल्कुल, चाहे वो कोई भी हो जी, जी, जब आम आदमियों के सड़क में चेक हो रहे हैं, आम आदमी व्यापारी परेशान है, आम आदमी व्यापारी जब्त हो रहे हैं माल, लेकिन बीजेपी तो इस पर ये कह रही है ना तिवारी जी, आम आदमी का हो रहा है तो सभी का होना चाहिए। राम अवतार तिवारी जी, बीजेपी तो ये कह रही है ना कि सीआरपीएफ पर फिर कांग्रेस जो है शक कर रही है, जो देश के लिए सुरक्षा में लगे रहते हैं, उनका शक कर रही है जो है। यह बात सही है, सीआरपीएफ जो है देश की सीमा पर नक्सली क्षेत्रों में बखूबी लड़ रही है और उसके लड़ने का, उसके योगदान पर हमें कोई शक नहीं है जी। शक होना भी नहीं चाहिए, उसके आड़ में कोई राजनीतिक उपयोग तो नहीं कर ले रहा है, उन बेचारों को नहीं मालूम होगा तो इसकी भी जांच हो सकती है। उन पर आरोप नहीं है, आरोप मेरे ख्याल से वो उन गाड़ियों में उसके, अब उनको मालूम है, ये कैसे बोल सकते हो कि सीआरपीएफ को ये मालूम है जी, बिल्कुल, और सीआरपीएफ इसमें शामिल है ये नहीं कह सकते जी, बिल्कुल, ये कहना जल्दबाजी होगी जी, बिल्कुल, कोई भी आरोप लगाने का इसके पहले जांच होनी चाहिए। हो सकता है जो ये आरोप नैस खारिज हो जाए, बिल्कुल, कोई दम ना हो आरोप में, हो सकता है आरोप में कुछ तथ्य मिल भी जाए तो तथ्यों की तरफ जाना चाहिए, इधर उधर की बात की अपेक्षा इसमें वास्तविक में तथ्य क्या है इसके तरफ जनता को भी जाना चाहिए जी, प्रशासन को भी जाना चाहिए, चुनाव आयोग को भी जाना चाहिए जी, और राजनीतिक दलों को इसमें राजनीति में नहीं कूदना चाहिए कि भाई राजनीति में
ये एक बात है, शिकायत है, अब उसकी निष्पक्ष अगर जांच हो जाए। तिवारी जी, सीएम भूपेश बघेल ये भी कह रहे हैं, फटकार लगा चुनाव आयोग जी, सीएम भूपेश बघेल ये भी कह रहे हैं कि सीआरपीएफ की बहुत सारी टुकड़ी है तो बाहर से लाने की क्या जरूरत थी, हमको फटकार लगाना चाहिए। रामावतार तिवारी जी, सीएम भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि जब सीआरपीएफ की टुकड़ी बहुत सारी यहीं पर है तो बाहर से लाने की क्या जरूरत थी, ये भी एक सवाल उठा रहे हैं। देखिए, अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चुनाव के करीब आते आते चलेगा जी, परंतु इस तरह का मामला बड़ा गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है। अब इसमें ये है तो ये सही है कि गलत है, ये तो बिना हम बोल नहीं सकते। उन्होंने किस आधार पर सीएम ने कहा है, सीएम को पूछना चाहिए कि किस आधार पर आपने आरोप लगाया, और कोई प्रमाण है क्या आपके पास, ये भी पूछा जाना चाहिए सीएम को। और ये एक नए सिरे से खारिज भी नहीं करना चाहिए, जैसा भाजपा पूरे नए सिरे से खारिज कर रही है। ठीक है, सुनील चौधरी जी, ना हो जी, जी। इसमें जांच होनी चाहिए सबको, जांच के लिए, और इसमें चुनाव आयोग की भूमिका और चुनाव आयोग की निष्पक्षता, चुनाव आयोग के अधिकार, चुनाव आयोग को इतना अधिकार है कि वो सबका चेक कर सकता है। ठीक है, एक आदमी का नहीं, एक संस्था का नहीं, एक कोई व्यक्ति का नहीं, तो अभी चुनाव आयोग सबका कर सकता है। चुनाव आयोग को हरकत में अलग अलग तरीके से आना चाहिए, ताकि ये देखिए, एक बात है कि आ रहा है, दूसरा जो है जो चुनाव जो चुनाव आयोग ने सीमा निर्धारित की है उससे कई गुना ज्यादा तो खर्च हो रहे हैं। ठीक है, तो उसको भी तो रोकने की कोशिश होनी चाहिए। दंतहीन और बन जाएंगे संस्थाएं, कैसे काम चलेगा जी? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण ठीक बात नहीं है। ये लगातार कह रहे हैं कि ईडी यहां पर घूम रही है, तो ईडी ने जो मामले पकड़े हैं उसमें सारे लोग जेल में, अभी तक के कोई बाहर नहीं आ पा रहा है, तो ईडी अपना काम कर रही है। हम संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं करेंगे, हम सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास नहीं करेंगे, हम सीआरपीएफ पर विश्वास नहीं करेंगे, तो भैया ये मानसिक दिवालियापन नहीं है तो और क्या है? आपको तो किसी पर भरोसा ही नहीं है ऐसा लगता है, आप बोलेंगे कि किसी पर भरोसा नहीं है। भाई, सुरक्षागत मामले हैं, उसको भी सार्वजनिक कैसे किया जा सकता है? और यदि मुख्यमंत्री जी बड़े दावे से कहें कि उसमें नोट था, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उसमें पैसा था, उसमें ज्वेलरी थी, तो भैया आप सोचो कि क्या बोल रहे हो आप, जो आपके लोग जो आपको बचा रहे हैं उन पर शक कर रहे हो आप। यदि कुछ ऐसा है, कोई सबूत है, तो सबूत के साथ पेश करिए, करिए पेश। और आप कैसे कह रहे हैं कि किसकी जांच हो रही है, किसकी जांच नहीं हो रही है? क्या आप उपस्थित थे? क्या कांग्रेस के लोग उपस्थित थे? विश्वास करेंगे कि कांग्रेस ये कह रही है कि चेकिंग होनी चाहिए, जब सबकी चेकिंग हो रही है उनकी भी चेकिंग होनी चाहिए, कांग्रेस ये कर रही है, ये भी कह रही है सुरेंद्र वर्मा। मैं भी उस बात को कह रहा हूँ कि चेकिंग होनी चाहिए, चेकिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, कहां पर हुई है, तो आप क्या जान रहे हैं उसके बारे में? आप जाकर के सीआरपीएफ से सफाई मांगिए, ना कि आरोप लगाइए। ये मानसिक दिवालियापन है कि सार्वजनिक टीवी में आकर आप आरोप लगाते हैं सुरक्षा एजेंसी पर। आप सीआरपीएफ से बात करते हैं, उसके प्रमुख से बात करते हैं, इसकी जांच हुई है, ये बोलना चाहिए, ये मानसिक दिवालियापन है। सुरेंद्र वर्मा जी क्या कुछ कहेंगे? सुरेंद्र वर्मा जी, कविता जी, भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग जाके सीआरपीएफ से सवाल करें, ये बताएं देश में दो संविधान है क्या? दो कानून है, भाजपाइयों के लिए अलग और बाकी के लिए अलग? मूल बात, सीआरपीएफ के आने वाले सामानों को और उनके लिए विशेष विमान जो उतर रहे हैं, स्पेशल प्लेन आ रहे हैं, उसकी जांच के लिए किसी पार्टी के से हमने अपील नहीं की, निर्वाचन आयोग उसके लिए अधिकृत है, और जो एयरपोर्ट में सुरक्षा होती है वो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, वो भी केंद्र के गृह विभाग के अधीन है। तो ये इनके मानसिक दिवालियेपन का प्रमाण तो यही है, और ये षड्यंत्र और साजिश इनका यहीं पर उजागर होता है कि जांच से इनको आपत्ति है। एक आम आदमी, एक व्यापारी यदि 50,000 रुपए से ज्यादा लेके जाता है, जगह 10 रुपए जांच होगा, ऐसा बात नहीं होगी। अपने समय में बोलिएगा सुनील चौधरी जी, अपने समय में चौधरी का है कविता जी, ऐसा बात नहीं होगी, ऐसे डिबेट चलेंगे सुनील चौधरी जी, ये ऐसे डिबेट चलेंगे सुनील चौधरी जी, रुक जाइए सुनील चौधरी जी, आपका टाइम नहीं, रुक जाइए आप प्लीज, रिक्वेस्ट है, जनता पार्टी कविता जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी, करिए। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल नकारात्मक राजनीति करती है। अभी ये कह रहे थे ईडी ने इतना पकड़ा उतना पकड़ा, बताया किस कांग्रेस नेता के पास 1 रुपए भी मिला हो? ये बेशर्मी से हंसने के बजाय ये प्रवक्ता बनते हैं ईडी के, बताए कौन से कांग्रेस के नेता के पास 1 रुपया भी जब्त किया? और मोदी की सरकार राजभवन तक को नहीं छोड़े, आधी रात को महाराष्ट्र होने से पहले चौधरी जी, सुनील चौधरी जी आप रुक जाइए, सुनील चौधरी जी, सुनील चौधरी जी।
आपको चाहिए? छत्तीसगढ़ में आके प्रचार करता है, शर्म आनी चाहिए इन भाजपाइयों को। शर्म आनी चाहिए बीजेपी तो ये भी कह रही कांग्रेस को चुनाव हारती है। सुनील चौधरी जी रुक जाइए ना, सुनील चौधरी जी रुक जाइए, आप सही करती है ये मोदी कीजिए प्लीज। मैंने आपका नाम नहीं लिया ना, सुरेंद्र तरीका है कविता जी, मेरे समय में बोलेंगे, समय खराब करेंगे कि दोनों एक बार क्या तरीका है डिबेट का? देखिए गलत क्या तरीका है डिबेट का? ये पठानकोट में जाते हैं ये सही नहीं कहेगा बताए। सुरेंद्र वर्मा जी, सुनील चौधरी जी सुन लीजिए, सुरेंद्र वर्मा जी कविता जी ये उचित तरीका नहीं है। सुरेंद्र वर्मा जी बीजेपी तो यह भी कह रही है कि जो कांग्रेस है उन्होंने हार स्वीकार कर लिया, मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया कि वो हार रहे हैं, इसलिए ऐसी हारने की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। इनका शीर्ष नेतृत्व भी मान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मुकाबले में कहीं नहीं है। यह पार्टी को, अपनी पार्टी को ठेके पे चलाने वाले भाजपाई, इनको तो अपने नेता और कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। 90 विधायकों को 90 सीट ठेके पे दिए हैं, गुजरात और महाराष्ट्र के विधायक आए हैं, इनको अपने कार्यकर्ता नहीं मिले। 1.5 दर्जन से ज्यादा कविता जी ऐसे लोगों को भाजपा ने टिकट दिया है जो पिछले 2018 के चुनाव में भाजपा के खिलाफ लड़े थे। तमाम उदाहरण है, रायपुर शहर में 4 सीट है, उसमें 2 ऐसे नेताओं को टिकट मिली है जो कांग्रेस से आए हैं, रायपुर उत्तर और रायपुर पूछ लीजिए इनको, तो इनको ना अपने नेता कार्यकर्ता, ये तो केवल केंद्रीय एजेंसियों के भरोसे। ईडी आईटी राज्यपाल आ गए चुनाव प्रचार में उड़ीसा के रघुवर दास, आज भी उनका कार्यक्रम था और कल भी, इसकी भी हमने शिकायत की है। तो भाजपा तो कलंकित करने का काम संवैधानिक एजेंसियों को उनका चरित्र बन चुका है। राजनीति जो है दामोदर तिवारी जी क्या कुछ कहेंगे? देखिए ऐसे समय में लोगों को सेशन याद आते हैं तो चुनाव आयोग की शक्ति, चुनाव आयोग की सक्रियता और चुनाव आयोग की निष्पक्षता और चुनाव आयोग की सक्रियता के चलते इस तरह के मामलों पर जांच पड़ताल करते थे जी। तो इसी तरह हमारे राज्य के चुनाव आयोग को संपूर्ण मामले पर निष्पक्ष तरीके से जांच पड़ताल देखते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि अभी ये मामला उठा है, इससे भी कोई और बड़ा आरोप सामने आ सकता है, इससे भी बड़ा कोई खुलासा हो सकता है, हो सकता है ये पूरी तरह से गलत भी हो सकता है। तो अब जो चीजें, जो कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को चेक करने का काम चुनाव आयोग का है, क्योंकि अधिसूचना लग चुकी है, चुनाव आयोग देखेगी, इसकी जांच पड़ताल करेगी, चुनाव आयोग देख भी रही होगी, चुनाव आयोग को संज्ञान में आ जाएगा, शिकायत हुई है तो ले लेंगे। तो इसी इतना जल्दी चीजों को, क्योंकि चुनाव में प्रबंधन में सब चीज होता है, तो ये प्रबंधन में कोई नकार नहीं सकता कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। अब इसमें सीआरपीएफ की जवान है, उस पर सीधे हमले से बचना चाहिए जी, बिल्कुल। इसमें ये देखना चाहिए कि इसके और क्या है, अगर खुलासा है तो और खुलासा होना चाहिए, और चीजें सामने आनी चाहिए, ठीक है, और एजेंसियों को सक्रिय होनी चाहिए, तो ये निष्पक्ष तरीके से चुनाव होगा, अन्यथा धन बल बाहुबल की जो परंपरा छत्तीसगढ़ में नहीं है, ठीक है, यहाँ पर लोग सीधे सादे लोग हैं, सरल लोग हैं, यहाँ पर जो अपने मत का उपयोग जो अच्छे से कर पाए बिना राग द्वेष प्रलोभन के, उस दिशा में कैसे चुनाव होगा, एक बड़ी चुनौती है, और चुनौती को हल कर चुनाव आयोग सक्षम है, ठीक है। सुनील चौधरी जी, जांच से क्या दिक्कत है, चेकिंग से क्या दिक्कत है, अभी सुरेंद्र वर्मा जी कह रहे थे। नहीं, हमें क्या दिक्कत है, हम तो ये कह रहे हैं कि जांच करिए, जो करना है वो करिए, हमारी आपत्ति उस पर नहीं कि जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, होनी, जो मुख्यमंत्री संवैधानिक पद की शपथ लेते हैं, पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, वो टीवी के सामने आकर के सीधा सीधा सीआरपीएफ को, जो कि सुरक्षा एजेंसी है, उसको कहते हैं कि आप नोट भर भर के ला रहे हो, तो ये सोचिए आप कितना स्तरहीन बयान है, ठीक है। आप तीनों को बहुत ही शुक्रिया, सुरेंद्र वर्मा जी, सुनील चौधरी जी, रामतार तिवारी जी चर्चा में आने के लिए। तो बात छत्तीसगढ़ की इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, नमस्कार।